सिस्टम से हारे मुकेश चौधरी, पोस्टर चिपकाकर परिवार को खोजने का कर रहे हैं प्रयास। पति दर दर भटक कर ये फरियाद लगा रहा है कि उसकी पत्नी को खोज निकाला जाए। बात देवघर की है, जहां के हनुमान टिकरी के रहने वाले मुकेश चौधरी की पत्नी और दो बच्चे 25 मार्च से गायब हैं। प्रशासन से हार चुके मुकेश की पत्नी और बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब इन्होंने प्रशासन के आला कमान से लेकर छोटे सिपाही तक अपनी फरियाद नहीं सुनाई हो, लेकिन ढाक के तीन पार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। पत्नी सुजाता चौधरी, पुत्री किरण चौधरी और बेटा अंकुश चौधरी को खोजने के लिए जब इन्हें प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला, तब इन्होंने दीवार पर पोस्टर चिपकाकर परिवार को खोजने की ठानी और शहर दर शहर दीवार पर परिवार की पोस्टर चिपका रहे हैं। आपको बता दें कि गुमशुदगी की रिपोर्ट देवघर नगर थाने में दर्ज भी कराया गया है। मुकेश ने देवघर एसडीओ से भी इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन साहब को समय कहाँ है? गरीब को इंसाफ दिलाने की संथाल प्रगना डीजीओ को भी इसकी सूचना इन्होंने दे दी है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है। इन्हें आस है कि पोस्टर दीवार पर चिपकाने से शायद इनकी गुमशुदा हुई पत्नी और दो बच्चे मिल जाए। पोस्टर चिपकाने सर अपने आप शांति के लिए चिपका रहे हैं कि कहीं से कोई कुछ देखे या दिखे किसी को तो कुछ संपर्क हो? अभी तक तो 4 महीने से कोई संपर्क नहीं हुआ किसी से भी। एक वीडियो आया था फेसबुक में, वो भी हम दिए थाना में, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कुछ पता नहीं चला किसका फेसबुक है, कहाँ से आया, किसके पास आया, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। SDPO तो मिलने से मना कर दिया, उनके पास समय ही नहीं होता। एक बार देने के आवेदन तो बोले कि यहाँ डस्टबिन में डाल दो, दूसरी बार भेंट हुआ था उसके बाद तो कोई मिलते ही नहीं है। लाइव लगातार की अपील है कि आपको जहाँ भी इस परिवार के बारे में पता चले, आप इस दिए गए नंबर पर खबर करें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।